हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटरेक्टिव बायोलॉजी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे क्लास एलेवंथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था सी थ्री साइकिल अब हड़ेंगे सी फोर साइकिल के बारे में इस वीडियो में आइए जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑल नोन एज हेच एंड स्लैक पाथवे इसे हम क्या कहते हैं इसे हम हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं ना ओवर नेक्स्ट पॉइंट ये किस तरह के प्लांट्स में होती है ये मोस्टली ट्रॉपिकल प्लांट्स में होती है लाइक like लाइक मेज शुगर केन शोरगम एक्टेट्रा अब उसके बाद देखेंगे इसे सी फोर साइकिल ही क्यों कहते हैं सी फोर साइकिल हम इसलिए कहते हैं ऐसे क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो होता है फोर कार्बन का जिसका नाम होता है ऑक्जैलो एसिटिक एसिड ठीक है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट किसका होता है इसमें चार कार्बन का होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका उसके बाद साइकिल की जो लीव्स होती है उनमें क्या होता है एक स्पेशल एनाटॉमी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं क्रेन्स एनाटॉमी C4 प्लांट्स की लीव्स में एक अलग एनाटॉमी होती है जिसे हम कहते हैं क्रेन्स एनाटॉमी साइकिल में जो CO2 एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है फॉसफो इनोल पायरोवेट फॉसफो इनोल पायरोवेट एक थ्री कार्बन का कंपाउंड है जो सी फोर साइकिल में सीओ टू एक्सेप्टर होता है ठीक है उसके बाद कार्बोक्सिलेशन में सी फोर साइकिल में कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है जो रिएक्शन होती है वो पैकेज इन्जाइम कैटेलाइज करता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल्स में मीजोफिल सेल्स में पैपकेज नाम का एक इंजाइम होता है जो पूरी रिएक्शन क्या करेगा केटलाइज करेगा उसके बाद फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो होता है ओक्सैलो एसिटिक एसिड असेट जिसे हम ओ ए भी कहते हैं उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में ये मैलेट में कन्वर्ट होने के बाद ट्रांसपोर्ट करा जाता है कहाँ पर बंडल शीत सेल्स में बंडल शीत सेल्स में ये मैलेट ट्रांसफ़र करा जाता है ये क्या होता है ये भी फोर कार्बन का ही कंपाउंड होता है डी कार्बोक्सीन ऑफ मैलेट प्रोड्यूस सीओ टू एंड पायरोट यानी कि जब डी कार्बोक्सीलेशन हो जाता है मैलेट का तो हमें क्या क्या मिलता है एक सीओ टू मिलता है और पायरोवेट मिलता है आइए देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट अब हम जानेंगे इस सीओ टू का क्या होता है सीओ टू नाउ एंटर्स टू कैल्वन साइकिल सी ओ टू कहाँ चली जाती है कैलवन साइकिल में चली जाती है और जो पायरोवेट हमें ऑप्टेन होता है वो कहाँ चला जाता है वो चला जाता है मीजोफिल सेल्स में अब हम नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे ये दो दो तरह के सेल्स क्यों प्रेजेंट हैं एक मीज़ोफिल सेल दूसरे बंडल छीत सेल इन सीफो प्लांट्स सी थ्री साइकिल अकर्स इन बंडल छीत सेल सी थ्री साइकिल कहाँ होती है बंडल छीत सेल्स में होती है और सी फोर साइकिल जो होती है वो कहाँ होती है मीज़ोफिल सेल्स में होती है ऐसा क्यों क्योंकि सेल्स में पैपकेज एंजाइम होता है और बंडल चीत सेल्स में आर यू बीपी प्रेजेंट होता है ओके अब हम देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमारे हैच एंड स्लैक पाथवे की यहां के सबसे पहले एच सीओ थ्री निगेटिव प्रेजेंट है और फोस्फो इनोल पायरवेट प्रेजेंट है इन दोनों का फिक्सेशन होता है हमें C4 फोर एसिड मिलता है ठीक है ये सब प्रोसेस कहाँ हो रही है मिजोफिल सेल्स के अंदर हो रही है फिक्सेशन होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है इस C4 फोर एसिड का कहाँ बंडल शीत सेल में दिस बॉक्स इज रिप्रजेंटिंग बंडल शीत सेल्स नाउ इस C4 फोर एसिड का डिकारबॉक्सीलेशन होता है डी होने के बाद हमें CO2 मिलती है और C3 थ्री एसिड मिलता है ये CO2 चली जाती है कैलविन साइकिल परफॉर्म करने और उसके बाद ये जो C3 थ्री एसिड होता है इसे हम ट्रांसपोर्टेड बैक कर देते हैं इसका रीजनरेशन हो जाता है किसका फॉस्फोइनोल इनोल पायरवेट का यानी जो C3 थ्री एसिड था उसे हमने ट्रांसपोर्ट बैक कर दिया मीजोफल सेल्स में और उसके बाद रीजनरेशन हो जाता है हमारे फॉस्फोइनोल इनोल पायरवेट का ओके थैंक यू वेरी मच होप यू लाइक माई वीडियो प्लीज Like, share and subscribe my channel. Thank you very much.